इस लेक्चर के अंदर हम कोडिंग करेंगे डिसीजन ट्री एल्गोरिथम की फॉर क्लासिफिकेशन इन साइट पाइथोन यूजिंग साइकट लर्न लेट्स जम्प इन टू इट यहाँ पे आप देखें कि हमारी जो डिसीजन ट्री की एग्जाम्पल है वो इसी 14 नंबर नोटबुक के अंदर है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है गिठप का लिंक वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं सबसे पहले मैं इम्पोर्ट करता हूँ लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज़ में सबसे पहले है जी हमारी इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी नम पाई import numpy import import numpy as np np import matplotlib.pyplot plot as plt as plt and then seaborn as sns from scikit-learn decision tree classifier और हम प्री प्रोसेसिंग भी इस्तेमाल करेंगे और ट्रेन टेस्ट सप्लिट भी करेंगे तो हम वो भी इम्पोर्ट कर लेते हैं ठीक है इम्पोर्ट एक्यूरेसी स्कोर कॉमा हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट तीनों ही कर लेंगे और एक्यूरेसी स्कोर की फिर ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम है सो वी नीड ओनली दिस फ्रॉम एस के लर्न इम्पोर्ट एक्यूरेसी स्कोर की बजाय यहाँ पे होना चाहिए प्री प्रोसेसिंग एंड लेबल इनकोडर हमें ज़रूरी चाहिए क्योंकि हमने उसे यूज़ करना है and also i think simple imputer a pre-processing encoder okay label encoder then from sklearn dot sklearn dot impute simple imputer ये हमने जनाब कुछ जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं हमने इम्पोर्ट कर ली हैं एंड इफ दीज ऑल आर वर्किंग फ़ाइन तो ये यहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा अदरवाइज़ ये टिक का निशान नहीं आता बट समाइम्स इट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम अब मेरे पास क्यों इतना टाइम लिया पंद्रह सेकेंड आई डोंट नो बट वी विल स्टार्ट दैट अब हम क्या करेंगे टाइटेनिक के डेटा सेट पर आज का जो एल्गोरिथम है उसे फिट करेंगे ताकि हमारे पास एक अच्छे तरीके से डेटा सेट जो है वो आ सके सो so, df इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लोड करता हूँ डेटा सेट को लोड द डेटा सेट सो so, df इज इक्वल टू sns.load डेटा सेट और इसके अंदर हम लिख देते हैं टाइटेनिक और df.head करके इसको देख लेते हैं एज यू नो आपने मेरे साथ पहले काम किया हुआ है तो आपको पता है एज और फेयर के अंदर वैल्यूज हैं डेक का कॉलम जो है वो हम ड्रॉप कर देंगे और इम्बाक टाउन को फिल कर लेंगे सो so, सबसे पहली चीज ड्रॉप डेक कॉलम इसको हम ड्रॉप करते हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए ये सो so, उसके लिए डी एफ डॉट ड्रॉप डेक कर देंगे देन इम्प्यूट मिसिंग वैल्यूज ऑफ एज यूजिंग मीडियन एंड एज एंड फेयर यूजिंग मीडियन लेट्स सी सो so, हमारे पास सिंपल इंप्यूटर है स्ट्रेटेजी हमने यूज कर ली तो हमने एज एंड फेयर को यहां पे ट्रांसफॉर्म कर लिया देन इम्प्यूट मिसिंग वैल्यूज ऑफ इम्बाक एंड इम्बाक टाउन यूजिंग मॉड तो हम इसके लिए मॉड को यूज करेंगे सिंपल इंप्यूटर मोस्ट फ्रीक्वेंट की बेस पे एंड हियर वी गो हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो इंप्यूट हो गई हैं ठीक है थीके? अब डी एफ़ डॉट इज नल डॉट सम ये मैं देखता हूँ तो मेरे पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है क्योंकि हमने पहले ये काम किया हुआ है सो वी नो कि इस एल्गोरिथम को लगाने से पहले यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज थी ठीक है अभी नहीं हैं सो दैट्स वाई वी एक्चुअली डिड दिस थिंग अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ तो ये आपके पास आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे डॉट सॉट वैल्यूज और असेंडिंग को हम फॉल्स कर देते हैं असेंडिंग को सॉरी oh, सभी को रन करना पड़ेगा हमें यस yes. तो यहाँ पे हमारे पास 688 वैल्यूज थी डेक की उस वजह से उसको मैंने निकाल दिया एज की एक है, सतर हैं टाउन और ये इस तरीके से हमारे पास चल रही हैं सो so, हमारे पास इस तरीके से जनाबे वाला हमने इसको रन किया तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इम्प्यूट हो गई हैं हमारे पास अभी कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है बेसिकली ठीक है अब लेट्स uh, सी हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज हमने इम्प्यूट कर ली हैं अब हम क्या करते हैं डेटा को इनकोड करते हैं अगला काम होगा इनकोड कैटेगोरिकल एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स ठीक है सो कैटागोरिकल एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स को हम इनकोड करते हैं यूजिंग फॉर लूप एंड लेबल इनकोडर सो सिंपली वाली कमांड हमारी डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर ही यूज होती होती है इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दी है हम कहेंगे कॉलम्स इन डी एफ डॉट सेलेक्ट कॉलम यानी कि डी एफ डॉट कॉलम जब हम लिखते हैं तो हमारे पास ये सारे कॉलम आते हैं हमने क्या किया है हमने बोला है कि इन सारे कॉलम्स में जब हम कॉलम्स लिखें फ्रॉम सेलेक्ट डेटा टाइप्स आप कैटेगरी और ऑब्जेक्ट वाले कॉलम देखें यानी कि अगर मैं यहाँ पे इन्फो की कमांड लगाऊँ तो जहां जहां पे कैटेगरी आ रहा है या जहां जहां पे ऑब्जेक्ट आ रहा है सिर्फ उनको लेबल इनकोड करना है इसने ठीक है नॉट मोर देन दैट मैंने कहा ठीक है कर दो आप चेक कीजिएगा अगर आप अब डेटा देखेंगे अपना तो जनाबे वाला ये आपका डेटा इस तरीके से आ गया ठीक है ये ट्रू और फॉल्स है अलोन है और आपका बाकी डेटा सारे का सारा इनकोडेड जो है वो आपके सामने है अब हमने अगला काम करना है स्प्लिट द डेटा स्प्लिट द डेटा इन टू एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई के अंदर आप कैसे करेंगे हमने सर्वाइव्ड के कॉलम को प्रिडिक्ट करना है क्योंकि सर्वाइव्ड जो है हमारे पास बाइनरी क्लास है तो इसलिए हम सर्वाइव्ड और इस तरीके से हम y में सर्वाइव रख लेंगे और x में से सारे के सारा सर्वाइव निकाल देंगे ठीक है अब हम करेंगे स्प्लिट द डेटा इन टू ट्रेन एंड टेस्ट ठीक है और 70, 30 या 80, 20 रेशियो के बेस पे आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया विच इज़ सिंपल तो मैं इसी को यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये मेरे पास ऐसे ही रहे और यहाँ पे मैं रैंडम स्टेट लिख देता हूँ 42 टू जब आपको पता होना चाहिए कि 42 क्यों लिखा है और रैंडम स्टेट क्यों लिखा हुआ है अगर आपको नहीं पता देन यू हैव टू गो बैक टू आर प्रीवियस लेक्चर्स और आपको ये सारी की सारी चीज़ें दोबारा से सीखना ज़रूरी होंगी ठीक है अब हम क्या करते हैं क्रिएट द मॉडल एंड ट्रेन द मॉडल क्रिएट एंड ट्रेन द मॉडल विद प्रडिक्शन्स सो so सिंपली मैं क्या करूँगा मॉडल इज इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर और यहाँ पे मॉडल को फिट कर दिया यहाँ पे हम मॉडल को प्रिडिक्ट करेंगे वाई प्रिडिक्ट की वैल्यू के ऊपर सो so आप इसको प्रिडिक्शन भी बोल सकते हैं वरना वाई प्रोडिक्ट भी बोल सकते हैं और यूजली वाई ही लिखा जाता है ठीक है सो इसको आप रन करें जनाब ये आपका मॉडल ट्रेन है जो डिसीजन ट्री क्लासीफायर है ना ये बेसिकली अगर आप इसके ऊपर आए तो आप जिनी क्राइटेरिया भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं क्राइटेरियन के अंदर एंट्रोपी भी और लॉग लॉस भी ये तीन किस्म के आपके लॉसेस होते हैं ठीक है ऑन ए डिफॉल्ट लेवल जिनी इंडेक्स या जिनी क्राइटेरिया आपका यूज हो रहा है जो अभी हमने जिनी पढ़ा था ना वो यूज हो रहा है ऑन डिफॉल्ट लेवल अगर आप चेंज करना चाहें इन टू एंट्रोपी आप यहां पे लिखें क्राइटेरियन इज इक्वल टू और ये ब्रैकेट के अंदर आप सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंट्रॉपी लिखते हैं डेप्थ भी बता बता सकते हैं रैंडम स्टेट भी बता सकते हैं यानी कि जो एक दफ़ा आपके क्राइटेरिया सेट हो गए रैंडम स्टेट ने उसने वही क्राइटेरिया रखने हैं डेप्थ क्या होता है अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ इसी के क्लास के बारे में सो so, अगर आप गौर करें मैक्सिमम डेप्थ इंटीजर होती है नन डिफॉल्ट नन है वरना आप खुद भी बता सकते हैं मिनिमम सैंपल सप्लिट आप बता सकते हैं कि दो हों तीन हों जितने भी हों वेट हैं और देर आर मेनी अदर पैरामीटर्स एज वेल अगर आपने उनको काउंट करना है और अगर आपको किसी पैरामीटर का नहीं पता चल रहा जस्ट गो डाउन लाइक दिस और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 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 द ट्री इफ नन देन नोड्स आर ऑल लीव्स आर प्योर और अनिल ऑल लीव्स कंटेन लेस और मिनिमम सैंपल सप्लिट सैंपल तो मैं इसको बिल्कुल ही डिफॉल्ट पे रखता हूँ अनटिल एवरीथिंग इज डन ठीक है अब मैंने इन ट्रॉपी की बेस पे बनाया तो मेरा डिसीजन ट्री डिफरेंट बनेगा यहीं पे अगर मैं जिनी लिखूंगा तो मेरा डिसीजन ट्री डिफरेंट बनेगा एक होता है लॉग लॉस जो भी इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करता है अगर वो बनाएंगे तो आपका डिसीजन ट्री यहाँ पे डिफरेंट बनेगा मैंने इसको रन कर लिया जनाब तो ये मेरे पास वाई प्रोडिक्ट आ गया अब हम क्या करेंगे इवेल्यूएट द मॉडल हम मॉडल को अवेलुएट करते हैं और मॉडल को अवेल्यूएट करने के लिए बेसिकली आपके पास क्या होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ जाएगा और साथ में आपका क्लासिफिकेशन रिपोर्ट तो ये मेरे पास कन्फ्यूजन क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ गई शोज दैट इज़ एक सौ पांच चौहत्तर तो मॉडल मेरा जो है इसकी एक्यूरेसी जो है वन आई है यानी कि मैक्सिमम एक्यूरेसी है इसकी सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी थिंग प्रिसीजन भी ठीक है रिकॉल भी ठीक है एंड इज़ फाइन अगर आप चेक करें मैं यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ चेंज कर दूँ मैक्स डेप्थ मैं तीन कर दूँ कोमल लगाता हूँ लेट्स सी अब हमारा जो मॉडल है क्या करता है आप चेक करें कि कोई इतना वो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर मैं रेंडम स्टेट चेंज कर दूँ इसको दोबारा से रन करता हूँ और ये मैं अवैल्यूएशन भी उसी के अंदर ऐड कर देता हूँ ताकि मेरे पास एक ही गो में सारा काम हो आई डोंट नीड टू डू इट अगैन एंड अगैन ले जनाब अब चेक करें मेरे पास कोई इतना मसला नहीं बन रहा मैं इसको दोबारा से यहाँ पे एंटर करता हूँ कोई इशू नहीं बन रहा चेक करें रीजन क्या है रीज़न ये है कि जब मैंने यहां पे स्प्लिट किया था मैंने रेंडम स्टेट दी हुई थी मैं यहां से रेंडम स्टेट को ख़त्म करता हूँ नाउ यू विल सी अ चेंज चेक कीजिएगा अब चेक कीजिएगा चेंज यहाँ पे 100 है और उनासी है 100 और उनासी आ गया कॉमा रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42। इसको मैं दोबारा से करता हूँ रन अब चेक कीजिएगा सौ पांच एंड चौहत्तर तो ऑटोमेटिकली उन्होंने बीच में से डेटा ले लिया। तक आपको क्लियर हो गया होगा करती है और डिसीजन ट्री को आप बेसिकली डिफरेंट वे में यहां पे लिख के इस, इस, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो कैसा काम करता है।, thing, एक और है यहां पे वो क्या है वो मैं भी आपको दिखाता हूं कि आप सेव द डिसीजन ट्री अपने डिसीजन ट्री को सेव भी कर सकते हैं ठीक है कैसे उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है फ्रॉम एस के लर्न एक्सपोर्ट ग्राफ विज लाइब्रेरी कर लेनी है ग्राफ विज लाइब्रेरी की बेस पे आप मॉडल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपका जो मॉडल है वो ट्री डॉट पे अंदर सेव होगा ठीक है डॉट फाइल होती है एक उसके अंदर सेव होगा और मैं इसको मॉडल्स के अंदर सेव करना चाहता हूं सेव मॉडल्स और इसके अंदर हम ट्री डॉट को सेव कर लेंगे तो मैं यहाँ पे ट्री डॉट कर लेता हूँ ठीक है इसको मैं डिसीजन ट्री जीरो वन के नाम से सेव कर लेता हूँ तो ये मेरा मॉडल जो है ये यहाँ पे सेव्ड मॉडल के अंदर आ जाएगा ठीक है एंड देन फीचर्स मैंने क्या बोला है फीचर नेम्स जो है एक्स के कॉलम्स ले लो फिल्ड ट्रू कर दो और राउंडेड राउंडेड भी ट्रू कर दो मैं इसको रन करता हूँ मेरा ग्राफ विज के अंदर यहां पे ये मॉडल डिसीजन ट्री का सेव हो गया लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डॉट फाइल जो है ये बेसिकली एक कोडिंग की फाइल होती है और इसको प्रीव्यू करने के लिए आपको डॉट फाइल को प्रीव्यू करने वाली एक्सटेंशन करनी पड़ेगी सो मैं यहां पर लिखता हूं डॉट 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 आ जा गई डॉट फाइल ग्राफ विज़ प्रीव्यू आप ये भी कर सकते हैं ग्राफ विज़ प्रीव्यू मैं इसको कर लेता हूँ ग्राफ विज प्रीव्यू को आप ग्राफ विज प्रीव्यू ये भी कर सकते हैं वेब की डॉट टेम्पलेट भी कर सकते हैं मैंने ग्राफ विज़ प्रीव्यू कर ली है अभी और इट विल टेक कपल ऑफ सेकेंड्स तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो गई है अब मैं जब दोबारा उस एक को ओपन करूँगा देन आई कैन क्लिक हीयर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ तो मैं इस एक डॉट फाइल को ओपन करने के बाद यहां पे क्लिक करता हूं तो यहां पे मेरे पास डॉट जो है वो अपीयर हो जाएगा अभी तक अभी के लिए तो नहीं आ रहा देर इज समथिंग रॉन्ग लेट मी सी सो कंट्रोल शिफ्ट पी ग्राफ विज ओपन प्रिव्यू टू साइड यहाँ पे प्रिव्यू ड्रॉ नहीं हो रहा जस्ट सेकेंड हम कोई और एक्सटेंशन करके देखते हैं डॉट टम्पलेट क्रॉफविज preview web. Let's see. और दोबारा से उस फाइल को मैं ओपन करता हूँ एंड नाउ वी हैव दिस वन जिसने ओपन नहीं किया ये वाला है एक ये एक्टिवेट कर रहे एक्सटेंशन को नीचे जाके. अगर देखा जाए तो

इस पर क्लिक करते हैं इट शुड ओपन ओपन ही नहीं कर रहा ओपन टू साइड ये वाली तो एक्सटेंशन नाकाम है मेरे ख्याल से इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं इसका बेहतरीन तरीका एक और होता है कि आप ऑनलाइन जाएं, डॉट फाइल प्रीव्यू Graph preview. ये वाली तो काम ही नहीं की एंड लेट बी सी ग्राफ वेज डॉट

उसका कोड उठाता हूँ ये वाली डॉट फाइल कॉपी किया एंड लेट्स गो हियर इधर पेस्ट करते हैं एंड होप इट विल वर्क यस हियर इट गोस तो आप इस तरीके से अपने ग्राफ को सेव करने के बाद डिसीजन ट्री को सेव करने के बाद इस तरीके से उसकी जो फाइल है उसको प्रीव्यू कर सकते हैं अब यहाँ पे अलाइव का जो है आपके पास लेस देन पॉइंट फाइव इसकी बेस पे ट्रू एंड फॉल्स बना फिर सो ऑन एंड सो सोफोर्थ आपके पास जाती रहेंगी चीज़ें सो बाय द वे ये जो प्लॉट है ये ग्राफ विज का है देर इज समथिंग रॉन्ग विद एक्सटेंशन जैसे मुझे पता चले कि आई विल अपडेट इन अपकमिंग लेक्चर्स लेकिन आप ऑनलाइन डॉट फाइल को यहाँ पे इस तरीके से जो है वो प्रिंट कर सकते हैं सो so ये तो हमारा हो गया एक मॉडल जो हमने सेव किया था इन डॉट फाइल ठीक है हमने क्या सेव किया बेसिकली हमने ये जो डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम है क्राइटोरियन जो हमने एंड के बेस पे सेव किया है इसको हमने यहाँ पे देखा है ठीक है तो यहाँ पे एंट्रोपी आ रही है अब मैं क्या करता हूँ यहीं पे एंट्रोपी को बंद करते हैं हम इसको रन करते हैं सारी की सारी चीज़ को दोबारा से शुरू से एंड तक और ये मॉडल हमारा रन हो गया अब हम मॉडल जो है डिसीजन ट्री टू के नाम से इसको सेव करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं अपने ग्राफ को और हमारे पास ये टू वाला ग्राफ आ गया इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे ला के पेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे कोई चेंज आती है कि नहीं लेट्स तो आपके पास अभी जिनी की वैल्यू आ रही है जी आई एन आई के नाम से तो आप इस तरीके से वैल्यू बना सकते हैं सो so, सिंपली एक अलाइव और नॉट अलाइव की बेस पे आपका डेटा जो है वो प्रॉपर जो है वो चल रहा है यहाँ पे ठीक है सो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली लेबल द डेटा और आपका जो ट्री है वो बन सकता है एंड दिस इज़ नॉट वेरी सिंपल बेस्ड ऑन द डेटा सेट लेकिन अगर आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं विच इज़ कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम को ड्रॉप ना करें आप यहाँ पे दो कॉलम्स को ड्रॉप कर दें से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो ड्रॉप करना चाहता हूँ वो अलाइव वाले कॉलम को भी कर देता हूँ बिकॉज दिस इज़ मेकिंग नो सेंस एट ऑल जब हम इसको रन करते हैं तो मैंने इसको दोबारा से रन किया एंड नाउ आई रन एवरी जो अलाइव वाला कॉलम जैसे मैंने रिमूव किया आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इम्प्योरिटी आ गई है रीज़न क्या है कि ये जो अलाइव वाला कॉलम है ना ये सर्वाइव्ड वाले कॉलम के साथ लिंक करता है तो इसकी वजह से इसने इसी को प्रायोरिटी दे के डिसजन ट्री बना दिया मैंने क्या किया अब उसको रिमूव किया और यहाँ पर थ्री लिखा नया मॉडल हमने सेव कर लिया रेस्ट सेव दिस अब आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनेगा एज़ कंपेयर टू द प्रीवियस वन क्योंकि एक कॉलम की वजह से हमारे पास काफ़ी मसले मसाइल जो हैं आ रहे थे आप देखें इसको पता चल गया कि सिर्फ अलाइव जो है ये मैक्सिमम सर्वाइवर रेट के ऊपर डिपेंड करता है उसने एक ही ले कर उस पर डिपेंड करवा दिया लेकिन यहाँ पे अब हमने सारे का सारा कोड प्रिंट किया नाउ द ग्राफ वुड बी रियली बिग अब अगर आप चेक करें आप इसको जूम इन करेंगे ना तो ये आपका डिसीजन ट्री बना है फाइनल जो आपका क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम की बेस पे चल रहा है सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली व्यू द ग्राफ ऑनलाइन और ऑनलाइन नहीं करेंगे अपने पास आप सेव करके भी इसे कर सकते हैं तो यहां पे आप इसकी फॉर्मेट को सेव कर लें एस पी एस वी जी में कर लें जो वैक्टर फाइल है प्लेन फाइल में कर सकते हैं पी एस में एक्स डॉट में जे सॉन के अंदर पी एन जी इमेज एलिमेंट के अंदर भी कर सकते हैं लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही खराब होगी अब ऑनलाइन व्यू करने का फायदा ये होता है कि इसकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी होती है ग्राफ की और आप इस ग्राफ को अच्छे से देख सकते हैं वरना आपके सिस्टम के अंदर ये जब ओपन होता है ना तो डिस्क डिसे खराब कर देता है आपके सिस्टम की जो डिफरेंट uh, किस्म की जो रैम या जी वगैरह ठीक है अब अगर आप इसको गौर करेंगे तो आपके पास मल्टीपल क्राइटेरियन बनेगा ठीक है सो ऑन दैट बेसिस यू कैन एक्चुअली डिसाइड कि आपने ट्री को किस तरीके से डिजाइन करना है या किस तरीके से रखना है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डेप्थ बनी हुई है इसका मतलब ये हुआ कि डिसीजन ट्री एल्गोरिथम खुद से डिसाइड कर रहा है बेस्ड ऑन द एंट्रोपी के किस कॉलम को मैंने लेना है क्योंकि मुझे पता है कि अलाइव का कॉलम बड़ा मसला करता है तो मैंने उसे रिमूव कर दिया ठीक है ऑन द अदर साइड यू कैन ऑल्सो डिसाइड हेयर कि मैक्सिमम डेप्थ क्या है एंट्रोपी रखनी है नहीं रखनी क्राइटेरिया ऑन एंट्रापी अगर आप रखते हैं तो तब भी आपके पास जो है एंट्रोपी आ जाएगी मैक्सिमम डेप्थ आप रख लें मैं इसको रन करता हूँ इसको दोबारा से सेव करता हूँ और यहाँ से इसी मॉडल को मैं दोबारा से सेव करके यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ अब मैंने क्योंकि मैक्सिमम डेप्थ थ्री रख दी है तो आपने देखा कि मेरे पास सब ट्री कितने बने हैं थ्री सब ट्री बने हैं अगर आप गौर करें तो मैक्सिमम डेप्थ जो मैंने थ्री रखी है ना ये इसी की वजह से हमारा जो ग्राफ है वो छोटा बना है ठीक है अगर मैं यहाँ पे हंड्रेड रख दूंगा तो ये और भी बड़ा हो जाएगा सो इट्स टोटली अप टू यू आप किस तरीके से इस प्लॉट को सेव करते हैं अब हम चेक करते हैं कि कैसे इसने डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स को लिया अडल्ट मेल का क्राइटेरिया बनाया उसने कि पॉइंट फाइव से कम है या पॉइंट फाइव से ज़्यादा तो ट्रू एंड फॉल्स की बेस पे उसने कर लिया कि अडल्ट मेल अगर कोई है तो लेफ्ट साइड पे आ जाए नहीं है तो राइट right साइड पे आ जाए फिर उसने यही किया क्लास जिसकी वन पॉइंट फाइव से लेस uh, है वो इस साइड पर आ जाए वरना इस साइड पर आ जाए फिर उसने एज जिसकी सताई से ट्रू है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा वरना राइट right साइड पे आ जाएगा तो हमेशा जो कंडीशन ट्रू होती है वो लेफ्ट साइड पे होती है जो फॉल्स होती है वो राइट right साइड पे होती है अब आप देखेंगे कि यहां पे फॉल्स थी लेकिन जैसे ही आपने एक क्राइटेरिया लगाया 26 वाला तो ये ट्रू है और ये फॉल्स राइट साइड पे आ जाएगा ठीक है अगर आप गौर करें लेस देन ये सॉरी दिस वन तो यहां पर आप फॉल्स चल रहे हैं ना तो फॉल्स ने इसी ट्री में जाना है और राइट right पे आपके पास ट्रू होता जाएगा ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली व्यू द ग्राफ अगर आप मैक्सिमम डेप्थ इसकी तेज रख देंगे तो ये और भी हैवी ग्राफ बन जाएगा अब आपका एक छोटा सा काम यह है आपने वी एस कोड की एक्सटेंशन ढूंढनी है विच वर्क्स फाइन टू व्यू द ग्राफ्स एंड होपफुली आपका जो डिसीजन ट्री क्लासीफायर है वो फिर काम करेगा डिसीजन ट्री क्लासीफायर इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं एक्यूरेसी और बाकी चीज़ें इसकी इंप्रूव हो सकती हैं बाई हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जो हम आने वाले दिनों में देखेंगे लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा अब आपने क्या करना है आपने डिसीजन ट्री रिग्रेसर जो है उसे रन करना है ये आपका टास्क है आपकी असाइनमेंट है आपने डिसीजन ट्री रिग्रेसर को रन करना है और उसका क्राइटेरिया देखना है और ग्राफ को व्यू करने के बाद आपने डिस्कॉर्ड चैनल के अंदर जो है डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर अपने ग्राफ भेजने हैं अपना ख्याल रखें डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं यहीं पर हम आज के लेक्चर का अख्ताम करते हैं